भाजपा महिला मोर्चा की बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली में भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में 2000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता बिलासपुर पहुंचे। यहां जंगी प्रदर्शन में भाग लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित हुंकार रैली में पूरे प्रदेश की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और भाजपा के पदाधिकारी विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्य हजारों की संख्या में शामिल हुए। इसी कड़ी में हुंकार रैली प्रदर्शन में भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में 2000 से अधिक महिला और पुरुष कार्यकर्ता विभिन्न संसाधनों से बिलासपुर पहुंचे और हुंकार रैली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। इसकी जानकारी भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने दी। कल की हुंकार रैली महिलाओं का कार्यक्रम था, उसमें करीब 40,000 से 50,000 महिलाएं पूरे प्रदेश से पहुंची थी और महिलाओं में जो जोश था, जो उमंग थी, जो उत्साह था वो देखने लायक था। उससे पता चलता है कि मातृशक्ति में भाजपा के प्रति कितना लगाव है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भूपेश सरकार को एक संदेश था कि चेत जाओ, जनहित में काम करो, महिलाओं के साथ अत्याचार मत करो और बेरोजगारों को रोजगार दो, शराबबंदी करो। ये सारी चीज़ें थी जो इस रैली के माध्यम से उनको बतलाया गया है और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ये मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार को ये आखिरी धक्का है और इस धक्के के माध्यम से उनकी सरकार का अंत निश्चित है। 2023 का चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से पहले भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा रायपुर में, उसमें भी ज़बरदस्त भीड़ थी और उससे भूपेश सरकार को झटका लगा। उसके बाद जो कल का कार्यक्रम था उससे भूपेश सरकार की चूल्हे हिल गई हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है और 2023 का जो लक्ष्य हमारा है उसको हम पूर्ण करेंगे। बहरहाल हुंकार रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। रैली का कितना असर मतदाताओं पर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।